चलो गाइस वापस आते हैं। क्या बोल रहा था मैं कि नेचुरल जो है नेचुरल दो होता है, इंडोल एसिटिक एसिड है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड IA IBA, और केमिकल जो होता है आर्टिफिशियल है सिंथेटिक वो कौन सा होता है 2,4-D एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और इसका सबसे यहाँ पे अब मेन इंपोर्टेंट काम देखते हैं, सब इसका देख जाओ तो एक ना एक या दो क्वेश्चन आता है इससे। ऑर्गिन प्रमोट फ्लावरिंग, किसमें प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग, पाइनएपल में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है। अभी देखो इथाइलिन जो है फ्लावरिंग इनिशिएट करता है और ये प्रमोट वर्ड याद रखना प्रमोट P4 प्रमोट ठीक है इसे ऐसे याद रखना पा प्रमोट जो होता है पा ये देखो PA पाइन एप्पल प्रमोट P4 प्रमोट A4 ऑक्जी A4 पापा से याद रखना प्रमोट। तुम्हें भी मजाक लग रहा है अब भी देखोगे आगे एग्जाम में आ जाएगा ना पसीना छूट जाएगा यार पाइन एप्पल तो दोनों जगह पड़ा था। इथाइलिन में क्या करता है इथाइलिन में जो वो काम करता है इनिशिएट फ्लावरिंग करता है इनिशिएट ये प्रमोट कर रहा है। पाइन एप्पल में ही इनिशिएट फ्लावरिंग कौन करेगा इथाइलिन करेगा और सेट करेगा सीड सेटिंग को इसको फ्रूट मतलब सिंक्रोनाइज करेगा फ्लावर को वो भी पाइन एप्पल में कौन करता है इथाइलिन करता है और प्रमोट करता है ऑक्जिन ठीक है गाइस। और ये देखो अर्ली स्टेज में जो लीफ रहेगा और फ्लावर रहेगा उसे तो ये प्रमोट करता है ऑक्जिन जो ओल्डर रहता है उसे सेनेसेंट में मतलब गिरा देता है प्लांट से वो भी क्या काम करता है ऑक्जिन काम करता है। ऑलमोस्ट हर ग्रो देखो एप्कल डोमिनेंस समझते हो गाइस एक्जिलरी बर्ड जो है लेटरल बर्ड है लेटरल बर्ड को जो है एक्जिलरी बर्ड को लेटरल बर्ड को सप्रेस कर देगा और एप्कल बर्ड केवल लेंथ में बढ़ेगा बर्ड तो उसे क्या बोलेंगे एप्कल डोमिनेंस को प्रमोट करता है फ्लावरिंग हेज मैकिंग डी कैपेसिटी आगे वाला देखो हेज मैकिंग इसमें टी प्लांटिंग में जो हेज मैकिंग करता है ऊपर वाला डिकैपेसिटेशन करके ऊपर वाला कट करके इस क्यों करता है कि नीचे साइड वाला लेंथ बढ़े वो भी क्या वाइडली इन टी प्लांटेशन हेज मैकिंग इसके वजह से ऑक्सीजन की वजह से नीट यही आंसर देता है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आंसर कुछ और जाएगा ये मत सोचना कि मैं मेरे को पता है लेकिन तुम्हारे लेवल पे उतारो मत ज्यादा दिमाग लगा ऑक्सीजन सही आंसर है हेज मैकिंग टी प्लांटेशन आ जाए ऑक्सीजन मार देना मत दिमाग लगाना पहले ही आगाह कर रहा हूँ मैं भी दिमाग लगाया था लेकिन जब NCERT ऑक्सीजन में दे रखा है तो क्यों पंगा करना यार खुद से 4 मार्क्स क्यों और एक गलत करोगे टोटल 5 मार्क्स का लॉस क्यों करोगे। अब ये याद रखना इंड्यूस टोमेटो में जो है ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक जो है इंड्यूस करता है किसमें टोमेटो में कौन करता है ऑक्सीजन। अब आ जाओ ये जो होता है हर्बिसाइडल भी होता है 2,4-D केवल डायकोट को केवल किल करेगा मोनोकॉट को नहीं याद रखना डायकोट को किल करेगा मोनोकॉट को नहीं। वीड फ्री लॉन जो बनाते हैं उसमें हेल्प कौन करता है 2,4-D करता है और ऑक्सीजन का काम क्या है ऑक्सीजन का काम है जाइलम डिफरेंशिएटेड का और सेल डिवीजन में थोड़ा सा हेल्प करता है जाइलम डिफरेंशिएशन याद रखना सेल डिवीजन नहीं याद रखना अभी जाइलम डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन मेनली काम किसका है साइटोकाइन का ये भी करता है लेकिन साइटोकाइन का मैंने बता ही दिए कि 100 से ज्यादा जिम्मेदारी से उसी समय बता दिए थे खोजा गया है उसका नाम जैसे जैसे खोजा गया वैसे वैसे नाम रखा गया। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो GA3 यूज होता है इसका बहुत रेंज है फिजियोलॉजिकल ऑर्डर का। ये क्या करता है लेंथ ग्रेप का जो है एक्सिस बढ़ाता है एक्सिस ऑफ ग्रेप शेप जो हमारा एप्पल का शेप डिफरेंट शेप का देखते हो ना एप्पल वो भी शेप शेप इंप्रूवमेंट का काम कौन करता है एप्पल में ये जिब्रेलिन करता है। और डिले इन सेनेसेंट को लाएगा एब्सेसिक एसिड डिले कौन करेगा जिब्रेलिन ये दोनों का काम एंटागोनिस्टिक है जो एब्सेसिक करता है वो जिब्रेलिक एसिड उसका उल्टा करता है जो जिब्रेलिन एसिड करता है उसका उल्टा एब्सेसिक एसिड करता है। GA3 यूरिन माल्टिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्री माल्टिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं जो दारू वगैरह बनाता है बियर उसमें हेल्प करता है जिब्रेलिक एसिड। जो शुगर केन का इंटरनोडल लिगो से दो नोड के बीच इंटरनोडल है जिससे क्या होगा नोड ही तो हम लोग खाते हैं शुगर केन का वो नोड बढ़ा देता है लेंथ बढ़ा देता है तो पर एकड़ जो है 20 टन का जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करने के बाद 20 टन ज्यादा होता है पर एकड़ क्या हमारा शुगर केन। आगे बढ़ते हैं अब इसका और क्या काम है जिब्रेलिक एसिड प्रमोट बॉल्टिंग इंटरनल जस्ट पीरियड टू फ्लावरिंग इन बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट हैव रोजेटी हैबिटेट जिसमें भी रोजेटी हैबिटेट किसे बोलते हैं एक ही जगह से ज्यादा ऐसे ऐसे करके पत्ते लगे हैं
उसमें क्या करता है इंटरनेडल इलांगेशन कर देता है, लंबा लंबा नू पत्ता अब आगे आगे मतलब डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। ये हो गया जिब्रेलिक एसिड। अब साइटोकाइनिन आ जाओ, जिब्रेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव था, टर्पेन का, टर्पिन का। और एब्सेसिक एसिड किसका है, कैरोटेनॉइड का। साइटोकाइनिन किसका है, N6 फर्फ्यूराइल एमीन, प्यूरिन डेरिवेटिव एडिनिन का, ठीक है एडिनिन। अब आ जाओ कार्निटिन, कार्निटिन जो है यदि स्पर्म डीएनए से मिला है, जो नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है, नेचुरली प्लांट में जो पाया जाता है कॉर्न कर्नल मेज से मिलता है, यही है। अब इसमें देखो नेचुरली जो है साइटोकाइनिन कहां पाया जाएगा, जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होगा, जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होगा वहां पे। और ये कहां कहां एपेक्स है, डेवलपिंग शूट है, यंग फ्रूट है, ये सब पाया जाएगा। एपिकल डोमिनेंस किससे हो रहा था, ऑक्सिन से। और ये जो लेटरल डोमिनेंस होगा, लेटरल में जो होगा वो किससे होगा, साइटोकाइनिन से। तो एपिकल डोमिनेंस को कौन ओवरकम करता है, कौन रोकता है, वो साइटोकाइनिन, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्लोमोड ये सब फालतू का है, ये सब नहीं पूछा गया। इथाइलिन, इथाइलिन वनली गैसियस हार्मोन है, इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स याद, ये कहां बनता है, जो सेनेसेंट में जाएगा और राइपनिंग फ्रूट में, जो प्लांट पार्ट सेनेसेंट में जाता रहेगा और जिसमें राइपनिंग फ्रूट का राइपनिंग होगा उसमें ये बनेगा। अब आ जाओ इसका तीन काम ट्रिपल रिस्पॉन्स से बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डायकॉट सीडलिंग, ये तीनों काम इसका, इसलिए इसे ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, और जब भी फ्रूट जो है राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग करते रहता है तो उसमें रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, इसी को रिस्पायरेटरी क्लाइमेट बोलते हैं। जब भी फ्रूट पकने शुरू होता है, जब पकना शुरू होता है, पक जाता है तो रिस्पायरेशन ज्यादा तेज हो जाता है, रिस्पायरेटरी क्लाइमेट बोलते हैं। ये भी किसकी वजह से आता है, इथाइलिन की वजह से आता है। इथाइलिन जो होता है डोरमेंसी को ब्रेक करता है और स्टार्ट करता है जर्मिनेशन को, किसमें, पीनट में स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग करता है। कौन करता है, ये भी यही करता है, राइस, जो राइस प्लांट जो होता है पूरा पानी के अंदर रहता है उसमें भी जो है ये इंटरनोडल और पेट्रोल का एलोंगेशन करता है। इथाइलिन ऑल्सो रूट ग्रेथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। जाइलम डिफरेंशिएशन का काम कौन कर रहा था, ऑक्सिन, लेकिन रूट हेयर और रूट ग्रोथ कौन कर रहा है, इथाइलिन। रूट ग्रो हेयर ग्रोथ आएगा दिमाग में सबसे पहले, आएगा ऑक्सिन एग्जाम में, ऑक्सिन नहीं, कौन करता है रूट हेयर रूट ग्रोथ, कौन करता है, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन आ गया ना, क्या मैं बोला था, इनिशिएट फ्लावरिंग ऑफ फोर सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, इनिशिएट फ्लावरिंग कौन कर रहा है, इथाइलिन कर रहा है। प्रमोट फ्लावरिंग पाइनएप्पल में कौन कर रहा था, ऑक्सिन कर रहा था, ठीक है गाइस। इंड्यूस फ्लावरिंग किस में करता है, मैंगो में करता है। इथाइलिन मेनिफिजुअल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, कौन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों मिला के चल जाए तो एग्जाम्पल आंसर चला जाएगा ऑक्सिन, देख लेना जाकर के। अभी इथाइलिन का जो सबसे ज्यादा यूज होता है सब्सटेंस वो इथाफोन होता है, इथाफोन इथाइलिन गैस है, इथाफोन लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड इसलिए होता है कि धीरे धीरे उससे गैस रिलीज होगा, धीरे धीरे गैस रिलीज हो तो ज्यादा टाइम तक ये हेल्प करेगा फार्मर को, ठीक है। इथाफोन जो है फ्रूट जो राइपनिंग है वो बढ़ा देता है, किसमें, टोमेटो और एप्पल में, और एप्पल में और थिनिंग और एब्सिशन लेयर फ्लावर एंड फ्रूट का थिनिंग ऑफ कॉटन और चेरी और वॉलनट में करता है। प्रमोट फीमेल फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, प्रमोट फीमेल फ्लावर कुकुम्बर इन, देखो फीमेल फ्लावर जो होता है वो इथाइलिन करता है प्रमोट कुकुम्बर में, और मेल फ्लावर आएगा तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन कैसे याद हो गई, गब्बर देखे हो सोले फिल्म, गब्बर मेल था कि फीमेल था, अरे मेल था, वो भी वाइल्ड टाइप मेल था, नॉर्मल मेल नहीं था, एकदम धाकड़ वाला। तो मेल फ्लावर को कौन प्रमोट करवाता है, गब्बर सिंह, जिब्रेलिन कैसे, फीमेल फ्लावर को कौन, इथाइलिन, याद रखना। अब आ जाओ हमारा विलेन आ गया, अभी तक जो भी था विलेन का ये थोड़ा सा छोटा वाला गुर्गा था, बाकी सब हम लोग हीरो पड़े, तीन हीरो हमारे कोर्स में था, कौन कौन था तीनों हीरो, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये बीच बीच का है, ये दोनों तरफ है, गुड़गा गुड़गा है,
मतलब ये दोनों से मिलके काम कर रहा है, प्लांट ग्रोथ से भी ये, लेकिन ये ओरिजिनल में चेला किसका है, एफसीसी के सिर का, ये हमारा बिलेन आ गया, बिलेन एफसीसी के सिर, प्लांट में जितने भी बिलेन का काम होगा सब ये करेगा, एफसीसी लाएगा, स्टोमाटा को क्लोज करेगा, जब जॉर्मेंसी लाएगा सब काम ये करेगा, ठीक है, जो भी स्ट्रेस कंडीशन प्लांट में आएगा तो वहां पे एफसीसी के सिर जरूर रहेगा, है ना, यही स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए एफसीसी के सिर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और ये जो है सबसे इसका इंपोर्टेंट क्या है, स्टोमाटा का, स्टोमाटा कहां पे लिख रखा है देख लेना, स्टोमाटा को क्लोजर करता है, ये सबसे इसका काम है, दो ही काम एग्जाम में पूछा गया है, एब्सिशन लेयर और स्ट्रेस में, जब डोर्मेंसी में जाता है तो कौन वो हार्मोन जो रहता है उसको डोर्मेंसी में लाता है, एब्सिसी के सिर, डोर्मेंसी से कौन तोड़ता था, जिब्रेलिक एसिड मेनली, अब डोर्मेंसी में और भी तोड़ता है पोटैटो वगैरह में, वो कौन करता है, इथाइलिन, लेकिन जब तक ना बोल दे कॉमन पूछे तो जिब्रेलिक एसिड डोर्मेंसी को तोड़ेगा, जिब्रेलिक एसिड और लाएगा ये एब्सिसिक है, पहले ही बताया एंटागोनिस्टिक है कौन, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड। अब कैसे कर देखो यहाँ पे एबीए हेल्प इनहिबिटर्स है, डेसिकेशन फैक्टर अनफेवरेबल कंडीशन में, एबीए एज एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिक एसिड, देखो लिख रखा है जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो याद रखना कि सच जो है या तो एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का दूसरा नाम याद रख लेना कॉम्प्लीमेंट्री, और इंडिविजुअलिस्टिक मतलब सिनर्जिस्टिक, या तो मिलके काम करेगा, जैसे ऑर्गिन और साइटोकाइनिन दोनों तरह मिला हुआ रहता है, दोनों साथ साथ काम करता है, जैसे जाइलम ये कैलस डिफरेंशिएशन में, जैसे टिश्यू कल्चर में, ये सब में दोनों काम करता है मिल करके, वहां पे सिनर्जिस्टिक है। अब आ जाओ यहाँ पे एपिकल, ये सब है, यही बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे प्लांट मिल करके काम करता है, प्लांट हार्मोन देख लेना, डोर्मेंसी इन सीड बर्ड एब्सिशन सिनेसेंट, ये सब प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ चुके हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर में भी इंटरसेलर है कि इंट्रासेलर है, इंटरसेलर है, इंट्रासेलर जीनोमिक था, इंटरसेलर है, टीईआर इंटरसेलर है। मेनी एक्सटेंसिक फैक्टर, अरे मेनी एक्सटेंसिक फैक्टर में कौन है, टेम्परेचर है, लाइट है, यही सब है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट इट कुड बी अब एक्सटेंसिक फैक्टर से जो जो होता है, बर्निलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। अब फोटोपीरियडिज्म किसमें पूछा गया था, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए बोलता रहा हूँ, टोबैको टोबैको में, टोबैको में फोटोपीरियडिज्म खोजा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बता दिया। अब यहाँ पे देखो सम प्लांट जो है एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है, उस टाइम से ज्यादा में अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग करता है, लॉन्ग टर्म प्लांट, अगर क्रिटिकल टाइम पीरियड दिया गया टाइम पीरियड से कम में फ्लावरिंग हो जाता है तो शॉर्ट टर्म प्लांट, जिसमें टाइम ड्यूरेशन का, डे लाइट का या नाइट लाइट का कोई भी इफेक्ट न पड़े, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, वो याद कर लेना, एनसीईआरटी नहीं देख रखा, एग्जाम्पल में दे रखा है, तीन बता देता हूँ जो डे न्यूट्रल है, टोमैटो सनफ्लावर मेज, ये तीनों डे न्यूट्रल है। उसका थोड़ा सा बोल रहा हूँ, उल्टा पुलटा ना बता दूं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये लोग खुद से देख लेना, ये देखो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दोनों बना रहे, ये देखो क्रिटिकल टाइम पीरियड है, इसके ऊपर जब लाइट गया है तब जाके फ्लावर हुआ है, यानी लॉन्ग डे प्लांट है, ज्यादा लाइट चाहिए, लॉन्ग मतलब ज्यादा लाइट, शॉर्ट मतलब कम लाइट, ये जो है क्रिटिकल फोटोपीरियड के पहले ही हो गया लाइट कम टाइम में, तो क्या है शॉर्ट डे, इसमें कुछ है ही नहीं तो डे न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फोटोपीरियडिज्म, ये सब जो देखते हो ये सब कहाँ पे होता है, कौन करता है, लीफ होता है, लीफ जो होता है फोटो को, लाइट को वो देखता है कि कितना लाइट पड़ा, क्या पड़ा, ये सब लाइट के लिए सेंसिटिव पार्ट कुछ भी दे दे, सूट अप कर दे, बेरिस्टेम फलना धमाका कुछ नहीं, आंसर लीफ होगा, लीफी जो है, लीफी डार्क और लाइट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन ऑफ डार्क एंड लाइट, कौन साइट होता है वो लीफ होता है, लीफ होता है हार्मोन ऑल्सो फ्लोरोजिन बोलते हैं, जो फ्लावरिंग में हेल्प करता है हार्मोन उसे फ्लोरोजिन बोलते हैं, फ्लोरोजिन बोलते हैं, ठीक है। ये माइग्रेट ये देख लेना, ये सब फालतू का है। अब आज बर्निलाइजेशन, इंपोर्टेंट है गाइस, ये इंपोर्टेंट है, चलो पढ़ रहे हैं।